नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 मुकाबला रांची के झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर खेला गया। इस मुकाबले की शुरुआत से ही न्यूजीलैंड ने दबदबा बनाकर रखा और अंत में भी कुछ ऐसा ही हुआ। भारत को 21 रनों से इस मुकाबले को गंवाना पड़ा और पहले T20 में हार के बाद सीरीज में भी भारत 0-1 से पीछे हो गया है। मुश्किलें अब काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। मैच की बात करें तो भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए। शुरुआत ठीक ठाक रही लेकिन अंत में भारत ने न्यूजीलैंड को इतने ज्यादा रन बनाने दे दिए कि फिर उन्हें टारगेट चेज करने के लिए पसीने छूट गए। मैच की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें एक अहम किरदार था अर्शदीप सिंह, जिन्होंने अपने आखिरी ओवर में 27 रन दिए। एक 9 बॉल थी जिस पर छक्का भी लगा, फ्री हिट पर चौका लगा जिससे पूरे मैच का समीकरण बदल गया। न्यूजीलैंड ने 176 रन बना दिए। 177 रन का लक्ष्य भारत के लिए बहुत ज्यादा था। हालांकि बल्लेबाजों में सूर्य कुमार यादव, वॉशिंगटन सुंदर जैसे बल्लेबाजों ने कोशिश भरपूर की लेकिन भारत फिर भी 21 रनों से इस मुकाबले को हार गया। मैच के बाद हार्दिक पांड्या ने बयान दिया। हार्दिक पांड्या खिलाड़ियों पर गुस्सा होते दिखाई दिए और खिलाड़ियों पर भड़कते हुए दिखाई दिए। उन्होंने हार का ठीकरा पूरी तरह से गेंदबाजों के सर फोड़ दिया। हालांकि देखा जाए तो T20 क्रिकेट में 177 रन का लक्ष्य इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा ठीकरा गेंदबाजों पर फोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमने 20 से 25 रन ज्यादा बनने दिए जिसमें से 27 रन तो आखिरी ओवर में ही आ गए थे। अर्शदीप सिंह को पता नहीं क्या हुआ है, गेंदबाजी में वो लय नजर नहीं आ रही, वो धार नजर नहीं आ रही, लगातार नो बॉल्स कर रहे हैं और उसके बाद इन नो बॉल्स का खामियाजा भारत को मैच हारकर भुगतना पड़ रहा है। हार्दिक पांड्या का भी यही कहना था कि मैच में हमने 20 से 25 रन कम बनाए, अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी या बाकी गेंदबाजों की गेंदबाजी में भी वो धार नजर नहीं आई। उन्होंने कहा कि एक वक्त जब हार्दिक पांड्या यानी कि वो खुद और सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी कर रहे थे तब लग रहा था कि इस लक्ष्य को भेदा जा सकता है, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम एक बार फिर से कोलैप्स हो गई और इस मुकाबले को हार गई। उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन सुंदर न केवल बल्ले से बल्कि गेंदबाजी से भी कमाल करके दिखा रहे हैं और वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी अगर भारतीय टीम में होते हैं तो भारतीय टीम को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि ऑलराउंडर्स की कमी हमेशा से ही खलती रही है। युवराज सिंह, सुरेश रैना ऐसे दौर की हम जब बात करते हैं, ऐसे में अगर अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर बल्ले और गेंद से चलते हैं तो फिर भारत को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन फिर भी सवाल कहीं ना कहीं यही खड़ा हो जाता है। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर तमाम लोग इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि पूरी तरह से ये ठीकरा गेंदबाजों के सर पर फोड़ना कितना सही है। क्या बल्लेबाजी में बल्लेबाज 177 रन का लक्ष्य चेज नहीं कर सकते तब जब मैदान पर ड्यू गिर रही थी, ओस गिर रही थी, गेंद ग्रिप नहीं हो रही थी, कैचेस छूट रहे थे, उसके बावजूद भारत 177 रन नहीं बना पाया? आपका क्या मानना है? क्या ये सिर्फ गेंदबाजी का फेलियर था? क्या ये सिर्फ अर्शदीप सिंह का फेलियर था? क्या बल्लेबाज 177 रन बना सकते थे? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखते रहिए न्यूज नेशन।